इस नेल्लोर जिले के अंदर एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने सामाजिक राजनीति जीवन के अंदर अपनी कड़ी मेहनत परिश्रम राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव और संगठन में कार्य करते हुए एक छोटे से गांव से अपनी सामाजिक यात्रा शुरू करते हुए विभिन्न पदों पर रहते हुए देश के उपराष्ट्रपति तक के रूप में हम सबका नेतृत्व किया, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त किया, मजबूत किया और विभिन्न पदों पर रहते हुए देश की जनता के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए काम किया। उन वेंकैया नायडू जी को मैं उनकी धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। श्री वेंकैया नायडू जी ने अपने सार्वजनिक जीवन के अंदर एक छात्र नेता के रूप में, फिर आजादी की दूसरी लड़ाई आपातकाल की लड़ाई उन्होंने लड़ी, जेपी आंदोलन में, और उसके बाद विधायक के रूप में, नेता के रूप में संगठन के विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, देश में मंत्री के रूप में, विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में और विशेष रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी का उनके कार्यकाल के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से इस गांव के आर्थिक और सामाजिक विकास के अंदर उनका योगदान आज भी देश याद रखता है। और उसके बाद उन्होंने देश के उपराष्ट्रपति के रूप में देश की सबसे लोकतांत्रिक की सर्वोच्च संस्था उसमें उच्च मानक स्थापित किए, सभी दलों के प्रति इतना सम्मान और सभी दलों के नेताओं का माननीय वेंकैया नायडू जी के प्रति सम्मान हमारी इस लोकतंत्र यात्रा में हमेशा सुखद अनुभव के रूप में याद रखा जाए। हमने वेंकैया जी के सानिध्य में काम किया, युवा मोर्चा के रूप में जब हम अपनी राजनीति यात्रा शुरू कर रहे थे उस समय उन्होंने हमें सानिध्य दिया, आशीर्वाद दिया और एक गाइडेंस के रूप में, एक गुरु के रूप में उन्होंने हमें राजनीति की दिशा दी। ऐसे हजारों लाखों नौजवानों को उन्होंने सामाजिक राजनीति जीवन में किस तरीके से सादगी और कठिन परिश्रम के द्वारा कोई व्यक्ति कितना बड़ा बन सकता है, ये उनका हमेशा उनका दिया गया कार्य हमें सबको प्रेरणा देने का काम करता है। और आज भी मैं सुबह जब एक ट्रस्ट जो उनके परिवार के द्वारा, उनके मित्रों के द्वारा चलाया जाता है, स्वर्ण भारत ट्रस्ट में जिस तरीके से समाज के अभाव में रहने वाले बच्चों, उनकी शिक्षा, शिक्षा के बाद संस्कार और संस्कार के बाद दूर दराज के गांव को, नौजवान को स्वरोजगार, महिलाओं को स्वावलंबन करना, एक सुसंस्कृत और संस्कारित नौजवान बनाना और
किस तरीके से किसान के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, इसके लिए उनके प्रयास हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में गरीब वंचित समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के साथ देश के किसान कैसे समृद्ध हो, खुशहाल हो, उनके लिए उनका योगदान हमेशा देश याद रखेगा और उनकी प्रेरणा लेता रहेगा। मैं पुनः वेंकैया नायडू जी के बारे में जितना बोल सकूं उतना कम है, क्योंकि उनकी केवल आपके साउथ में नहीं, तमाम उत्तर भारत के अंदर उनकी वाक्पटुता, उनकी भाषण शैली, हमेशा लाखों लोग उनको सुनने आते हैं। मैं भी जब पहला चुनाव लड़ा तो पहले चुनाव के अंदर हमारे वेंकैया नायडू जी ने एक सभा करी और उस सभा के बाद उस कोटा के अंदर चुनाव की राजनीतिक समीकरण को बदल दिया। उनकी वाक्पटुता इतनी उत्तर भारत में लोकप्रिय है, एक जन जन नेता के रूप में, उत्तर भारत के जन के नेता के रूप में आज भी लोकप्रिय है। उनका सामाजिक राजनीतिक जीवन समाज को, नौजवानों को नई प्रेरणा देता रहेगा कि किस तरीके से सादगी, कठिन परिश्रम से एक गांव से उच्च स्तर के नेता बन सकते हैं। उनकी प्रयोगशाला हमेशा नौजवानों को प्रेरणा देती रहेगी। पुनः मैं वेंकैया नायडू जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। उनका आशीर्वाद, प्यार, स्नेह इसी तरीके से हमें मिलता रहे और हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से समाज में आर्थिक सामाजिक कल्याण करते हुए एक जवाबदेही प्रशासन शासन के माध्यम से समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों की सेवा कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।